अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 15 और ये लेक्चर है सेकेंड ईयर का। टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। लास्ट टाइम हमने थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन की थी कि चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उनकी बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है तो हम उसको आज डील करेंगे। थर्मोरेगुलेशन दो तरह के अडाप्टेशन है प्लांट्स के अंदर। एक वो प्लांट्स जो कि हाई टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, उनमें कौन कौन सी अडाप्टेशन है। दूसरा वो प्लांट्स जो लो टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, जो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उनके अंदर क्या इफेक्ट्स हैं और क्या उनके अंदर अडाप्टेशन है, ये आज हम डील करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास है कि थर्मोरेगुलेशन बेसिकली कंट्रोल किससे होती है। कंट्रोल सिस्टम से। बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि तीन चीजों के ऊपर कंप्राइज करता है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर पहला पॉइंट होता है सेंसर या रिसेप्टर्स, दूसरा होते हैं कंट्रोल सेंटर, और तीसरा पॉइंट होता है जो इसके अंदर इफेक्टर्स होते हैं, मोस्टली ग्लैंड्स होते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अब हम आते हैं कि प्लांट्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन हाई टेम्परेचर में यानी वार्म टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले अडाप्टेशन इन प्लांट्स इन लो एंड हाई टेम्परेचर टॉपिक है, और इसमें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इन हाई टेम्परेचर या वार्म इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये देखें, हमने इंजाइम्स पढ़े थे और जो इंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और हमने उसके अंदर एक ये भी पढ़ा था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसी भी इंजाइम को अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने के लिए। और क्योंकि इंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो टेम्परेचर के चेंज होने से इंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। अब क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसके अंदर इंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, और इंजाइम के डीनेचर होने के साथ साथ जितने भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शंस को, कोई भी रिएक्शन हो उसको इंजाइम कैरी कर रहे होते हैं। अब रिएक्शंस ब्लॉक हो गए, इंजाइम डीनेचर हो गए, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है प्लांट्स की। जैसे ही प्लांट्स की ग्रोथ स्टॉप हो, इंजाइम डीनेचर हो, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाए, तो इससे प्लांट की डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे पास वार्म इन्वायरमेंट में यानी हाई टेम्परेचर के अंदर इफेक्ट। तो सबसे पहले हम डील करते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर इफेक्ट क्या होता है। इट डैमेज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन, इब्न नफीस ने बताया था, इस मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि जितने भी हमारे बायो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन है सबको कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म, एक पॉइंट। दूसरा, डैमेज द ग्रोथ। हाई टेम्परेचर विल डैमेज द ग्रोथ, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हाई टेम्परेचर के अंदर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है, और एंड क्या होगा, इट विल किल्स अ प्लांट, प्लांट मर जाएंगे। अब इसके अंदर प्लांट्स के अंदर अडॉप्टेशन क्या आई हैं इस कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। प्लांट्स के अंदर अडॉप्टेशन, दो तरह के अडॉप्टेशन है। पहली अडॉप्टेशन पढ़ते हैं। पहली अडॉप्टेशन ये है कि प्लांट्स अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन कर सकते हैं बाय कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म को। यानी जब प्लांट्स के एरियल पोर्शन, चाहे वो स्टोमेटा हो, लेंटिसेल्स हो या क्यूटिकल हो, उससे जब पानी रिमूव होता है तो प्लांट्स का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज हो जाता है। कूलिंग इफेक्ट के प्रोसेस से भी प्लांट्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लो करते हैं या मेंटेन करते हैं। तो पहली जो अडॉप्टेशन है वो कूलिंग इफेक्ट है। क्या कहेंगे, प्लांट्स यूज द इवेपोरेटिंग कूलिंग मैकेनिज्म टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द evaporation of water molecule from the aerial portion of plants. अब इससे क्या इफेक्ट होगा, प्लांट्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा,
और इसे एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे। अगर अब दूसरा पॉइंट है कि अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए, 40 सेल्सियस, 45-50, तो जब 40 से ऊपर अबव जाता है ना टेम्परेचर, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब स्टोमेटा क्लोज हुए, इसका मतलब क्यों स्टोमेटा क्लोज क्यों हुए, ताकि ज्यादा एवेपोरेशन को स्टॉप कर दिया जाए। अब पानी की कमी होने लगती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो गए तो कूलिंग इफेक्ट का प्रोसेस रुक गया। स्टोमेटा अब क्लोज होने के बाद तो क्या हुआ, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो गई, कूलिंग इफेक्ट रुका। तो इसके बाद जो अडाप्टेशन ये आई प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स ने जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो ये अपनी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। बेसिकली हीट शॉक प्रोटीन जो होती हैं, ऐसी स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, और मोस्टली थर्मल प्लांट्स के अंदर, और यानी जो टेस्टिंग एनवायरमेंट के अंदर या हाई टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स रहते हैं। अब ये स्पेशल प्रोटीन जिनका नाम हीट शॉक प्रोटीन है, ये जाकर एंजाइम को इम्ब्रेस कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, या दूसरी जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनको सराउंड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि हाई टेम्परेचर पर भी एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे, और अगर एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली जो मैकेनिज्म होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस वो स्टॉप नहीं होंगे। तो ये बेसिकली अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, हाई टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट हुआ, स्टोमेटा क्लोज हो गई, ट्रांसपिरेशन रुक गई, उसका हल क्या निकला प्लांट्स के अंदर, हीट शॉक प्रोटीन। तो हम देखते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर स्टोमेटा आर क्लोज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वाटर लॉस, ज्यादा पानी की एवेपोरेशन को रोकने के लिए प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो इस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस, इन सच कंडीशन प्लांट्स फॉर्म हीट शॉक प्रोटीन्स। व्हाट आर द हीट शॉक प्रोटीन्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट दैट कैन टॉलरेट थर्मल चेंजेस। थर्मल चेंज मीन कि हाई टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर 40 सेल्सियस या अबव इससे भी हो जाए तो एंजाइम, सॉरी जो प्रोटीन्स होती हैं ये एंजाइम को इम्प्रेस कर लेती हैं या सराउंड कर लेती हैं द एंजाइम एंड अदर प्रोटीन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनसैचुरेशन, सॉरी डीनेचुरेशन। एंजाइम की डीनेचुरेशन स्टॉप हो जाएगी, और ये कब होगा, एट हाई टेम्परेचर। इस कंडीशन को हम नाम, सॉरी इन प्रोटीन्स का नाम होता है हीट शॉक प्रोटीन। उसके बाद है अब दूसरी कंडीशन, लो टेम्परेचर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं वो थर्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं और उनके अंदर हम इफेक्ट, तो इफेक्ट जो प्लांट्स लो टेम्परेचर के अंदर रहते हैं या कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि उनके अंदर इफेक्ट क्या होता है। याद रखिएगा उसके अंदर ये इफेक्ट है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा और इसमें पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से बनी हुई है, और जो लिपिड बायलेयर से बनी हुई है तो क्या होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लो होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो एंजाइम की फ्लूडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी इस कंडीशन में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं कर पाती, जब ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी तो इससे क्या होगा, प्लांट्स के डेथ, सेल के डेथ होने के खतरा होता है। तो इफेक्ट अगर हम देखें तो पहला क्या है, फ्लूडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड, यानी डिक्रीज, बिकॉज लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो लिपिड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, रास्ता रुक जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, विच अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। और इसके अब देखेंगे, मैंने डायग्राम बनाई है, ये बेसिकली लिपिड बायलेयर है, एक नीचे लेयर है, ये लेयर है, और इसमें प्रोटीन्स जो है वो है, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह प्रेजेंट है। अब मैंने एक लिपिड मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड की डायग्राम बनाई है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है, ये लीनियर फॉर्म होते हैं तो इसको कहते हैं डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, जो जिनके डबल बॉन्ड नहीं होते वो सॉलिड होते हैं, या उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं।
दूसरे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये हमारे पास है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जब लो टेम्परेचर होता है तो ये लिक्विड वाले किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड में, और इससे क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, और इससे ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। अब इसका हल क्या आया, अडॉप्टेशन क्या आई, अडॉप्टेशन ये आई कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनको कन्वर्ट किया गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ताकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने ज्यादा होंगे उतने ही कम जो है वो जो ब्लॉक्ड है ट्रांसपोर्ट वो होगी। तो हम इसके कहेंगे प्लांट चेंजेस द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इंक्रीज करेंगे। कैसे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हाउ, प्लांट्स कन्वर्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड जिनमें कोई डबल बांड नहीं होता, अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बांड हो, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ा दिया जाता है ताकि ये किस फॉर्म में लाए, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में रहेंगे तो जो फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की वो ऐसे रहेगी। अब दूसरा इफेक्ट जो प्लांट्स के अंदर होता है लो टेम्परेचर में वो ये होता है कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। दूसरा इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन लो टेम्परेचर में। अब जब प्लांट्स का टेम्परेचर लो कंडीशन में हो तो क्या होता है, इस कंडीशन में प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास वाटर होता है वो वाटर आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लो टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में। अब जब यानी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल का कहते हैं, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म जब आइस फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट, तो इससे क्या होगा, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, प्लांट्स कोई काम ही नहीं कर पाएगा। अब ये क्या है, ये इसका इफेक्ट है लो टेम्परेचर का। अब उसकी अडॉप्टेशन आगे क्या है, अब पहले इफेक्ट देख लेते हैं। द फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी 90% जो वाटर है साइटोप्लाज्म का वो फ्रीज हो जाता है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। अब आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन दो जगह के ऊपर होती है, एक या तो होती है सेल वॉल के ऊपर या दूसरी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर सेल वॉल के ऊपर हो फिर भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर हो तो जो ऑर्गेनेलीज हैं या जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट जाता है, तो इस कंडीशन में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसका हल क्या आया इस कंडीशन में प्लांट्स एंड अडॉप्टेशन की, कि उन्होंने जो साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कन्वर्ट किया सुपरकूल साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चाहे फ्रीजिंग पॉइंट पे भी चला जाए तो फिर भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर होता है वो फ्रीज नहीं होता है, और इस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट्स सर्वाइव कर जाएगा। चाहे सेलवाल के ऊपर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हूं लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं बनाई जाएगी। तो ये है अडॉप्टेशन, रीड कर लेते हैं। अब ये अडॉप्टेशन किन प्लांट्स के अंदर आई है, वो प्लांट्स हमारे पास ऑक्स, मैपल्स, रोज या दूसरे प्लांट जो कि लो एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं। क्या हुआ, कॉजेस टू इंक्रीज या साइटोसोल टू सुपरकोल साइटोप्लाज्म विदाउट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्लियर। तो इससे क्या हुआ, प्लांट्स लो टेम्परेचर के ऊपर भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।